यहाँ बैठ जा। महाभारत की लड़ाई में पांडव और कौरव आमने सामने, कौरव ब्रह्मचारी गांधारी अपने बेटा दुर्योधन के बोला के कलश की बेटा एक काम करा, लड़ाई आर पार कहो। कैसे कह ले सही है सही। दुर्योधन से गांधारी माई कहलिन की बेटा कृष्ण भगवान ने अपन सेना पांडवन के क्षमा करें, कृष्ण भगवान ने अपन सेना कौरव के दे देलन और स्वयं पांडवन के तरफ हो गई। एक मतलब ना कि सेना पा गिला तो तू जीत जी बा। कृष्ण भगवान जी हर रहन वहर का पड़ला भारी रही, तू एक काम करा लड़ाई तू जीत जीत जी बा। एक काम कर बा का कहली भैया ध्यान ही हर रहे गड़बड़ा जी तो यूट्यूब पे गड़बड़ा जी कपड़ा निकाल के नंगा शरीर हो के हमरे सामने आ जा। ई काम कर दे बात एक काम और हो जाए का शरीर वज्र हो जाए। कौनो अस्त्र शस्त्रों पर काम ना करी, पूरा कपड़ा निकाल के
के हमारे सामने आ जा, लड़ाई जीत जी बात दुश्मन का करो बाहर तोहरे पे काम न कर कहत रही अपने से कमजोर मत समझना, और ऊपर से रथिवान बन कृष्ण कन्हैया आई है जब मैदानवा, जब कृष्ण भगवान सामने आ जाए हैं तब लफड़ा हो जाए तब। कृष्ण भगवान सामने आ गई लन, समझ गिलन कि अगर ना रोकब तो लफड़ा हो जाए, इजा के खड़ा हो जाए, अगर नारी देख दे इनकर पूरा शरीर बज्र को हो जाए, कौनो अस्त्र शस्त्र काम न करे। और कृष्ण भगवान जाके सामने खड़ा हो गिलन कलन बसवा मतारी के सामने, अपन तन देखैबा, अरे ना कुछ तो अंदर वियर पहिला। जब कृष्ण भगवान कहलन की लोक लाज और संस्कार पर थोड़ा ध्यान दा, ध्यान दा, जब कृष्ण भगवान जाके कह दिलन तब लोक लाज और संस्कार पे दिया तो दियनवा ए ललनवा हमरे हार जाई तो से दुश्मनवा। बतिया जाए के बैठ गई दुर्योधन के, दुर्योधन के जब दिमाग में बैठल है बात, तब दुर्योधन कहले कहा पतिया के कुरपति
तो जंघिया पहिर ले और जंघिया पहिर के पूरा शरीर नंगा हो जंघिया पहिर के सामने खड़ा हो गई माई से कलन माई हम आ गए सामने माई अपन आग का पट्टी खोली जब देखली तब मास्टर जा जा ले नजर पड़ल बा लड़का का सारा शरीर नग्न हो खाली चड्डी पहन ले जहाँ जहाँ ले निगाह पड़ल वो पूरा शरीर वज्र को हो गई खाली इतना छोड़ दी जब इतना जहाँ ले चड्डी रहल वहाँ ले जब नजर ना पड़ल ऐसे वज्र ना भूकौल तब प्रभाव न पड़ल भगवान के इशारा पे ये जंघा गदा से मार्ग तोड़ल और दुर्योधन का अंत भया तब